अब आते हैं हम ड्राइव यूनिट्स पर। द यूनिट्स विच आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। जो एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी हेल्प से अगर हम दूसरी क्वांटिटीज बनाते हैं, जिस तरह एरिया है हमारे पास, एरिया है बेसिकली मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर में दो क्वांटिटीज हमारे इस्तेमाल हो रही हैं, दो यूनिट्स हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, एक एम और दूसरा भी एम, जिसको ओवरऑल जो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी जिसमें से हमने एक क्वांटिटी ड्राइव की। दूसरा हमारे पास वॉल्यूम, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, वन अपॉन सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, फोर्स, इसी तरह हमारे पास दूसरी और भी चार्जेस लिखी हुई हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जो हम फंडामेंटल यूनिट्स में से ड्राइव करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के कुछ सिस्टम्स हैं जिनमें से हमारे पास हैं एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। ये चार सिस्टम्स हैं। एमकेएस सिस्टम की जो फुल फॉर्म है वो है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। सीजीएस सिस्टम की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एफपीएस और बीई सिस्टम, इसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं, इसके जो यूनिट्स हैं वो है फुट, पाउंड, सेकंड। उसके बाद हमारे पास एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, मीटर, किलोग्राम, सेकंड एंड एम्पेयर। एम्पेयर जो यूनिट है वो है हमारे पास करंट का। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ईच ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस इट इज टू रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इन शॉर्ट, सिग्निफिकेंट नंबर्स दैट आर विथ श्योरिटी। एक नंबर की आपके पास श्योरिटी हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब उनके कुछ रूल्स हैं जो हैं, सबसे पहला रूल हमारे पास है ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जिस तरह हमारे पास कुछ क्वांटिटीज लिखी हुई हैं 234, और ये एक नॉन जीरो यूनिट है, 234 नॉन जीरो यूनिट है, और इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं 2, 3 एंड 4। ओवरऑल पूरी तीन इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब जिस तरह हमारे पास 2006 लिखा हुआ है, और तो इसके अंदर जो जीरोस हैं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, 2 और 6 के बीच में जो हमारे पास जीरोस की वैल्यू है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब अगर जीरोस हमारे नॉन जीरो वैल्यू की से पहले आ रहे हैं तो हमारे पास सिग्निफिकेंट काउंट नहीं है। तो इस जो हमारे पास वैल्यू लिखी है 0.0043, इसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। Then we have zeros to the right of the decimal are all significant. अब 34.00, इस वैल्यू के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि जो 0.00 डेसीमल के बाद जितने भी जीरोस लगते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। उसके बाद हैं जीरोस लोकेटिंग डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन आर नॉट नेसेसरली सिग्निफिकेंट। अब जिस तरह हमारे पास है 540 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 540, अब 540 के अंदर हमारे पास जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं सिर्फ 2। इसके बारे में हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम ज़्यादा स्पेसिफिकली समझ सकेंगे।